लड़कियाँ लगभग 12 से 15 साल के बीच में पीरियड को एक्सपीरियंस करती है और फिर शुरू हो जाता है उसका एक नया जर्नी। अब लड़कियाँ शुद्ध नहीं रही, अशुद्ध हो गई है और इसी वजह से आज भी भारत के बहुत सारे हिस्सों में कुंवारी पूजा का पालन किया जाता है उस लड़कियों को जो पीरियड को एक्सपीरियंस नहीं की है, यानी कि लड़कियां भी शुद्ध नहीं रही, अशुद्ध हो गई है। बहुत सारी जगह पे पीरियड को डरावना, पीरियड को नहीं, पीरियड के खून को डरावना, खतरनाक, ऐसी चीज़ें कहा जाता है। पर ऐसी नेचुरल प्रोसेस को, जो बिल्कुल नेचुरल है, इस प्रोसेस को डरावना, खतरनाक, ऐसी चीज़ें कहने का क्या मतलब है? हमारे भारत के बहुत से ऐसे संस्कृति हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि पीरियड ब्लड में एक रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं और ये आमतौर पे खतरनाक कम हानिकारक होता है। पहले लैटिन विश्वकोश में प्लिनी द एल्डर ने कहा था कि पीरियड के खून के संपर्क में आने से वाइन जो है उसमें खटास आ जाती है या फिर मधुमक्खी की जो छत्ते होती है वो मर जाती है और धातु पर तुरंत जंग लग जाता है। प्राचीन चीन में ये मान्यता थी कि अगर पीरियड के दौरान वो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उन्हें क्रूसिंग रेड नाम की एक बीमारी होती है, इससे मेल प्राइवेट पार्ट में सूजन हो सकती है और इससे लड़के मर भी सकते हैं। आज भी भारत के बहुत सारे आदिवासी इलाके में पीरियड के टाइम पे लड़कियों को एक अलग से गुमनाम झोपड़े में रखा जाता है। बहुत से धर्म में भी ये बार बार कहा गया है कि पीरियड के दौरान लड़कियां अशुद्ध होती हैं और इसीलिए उन्हें प्रार्थना स्थल में भी जाने से रोका जाता है और फिर उन्हें पूजा करने की इजाज़त भी नहीं होती। बहुत ही कम परंपरा ऐसी होती है हमारे देश में जहाँ पे पीरियड को अच्छा माना गया है, पर सिर्फ इसलिए कि वो एक नए जीवन दान देने का हिस्सा है, एक तरीका है। बहुत सारे जगह, बहुत सारे इलाके आज भी ऐसे हैं जहाँ पे पहले पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जब से उनमें पीरियड आना शुरू होता है तब से एक लड़की माँ बनने की क्षमता रखती है। पीरियड को लेके ऐसी सोच की वजह क्या है? असल में पीरियड पहले भी जो था आज भी वही है। पीरियड का प्रोसेस या फिर उसका कोई काम या फिर उसका फ्लो कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, बट हाँ, हमारा दिमाग ज़रूर बदल गया। जैसे कि आजकल हाइजीन, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ों पे बहुत कॉन्सनट्रेट किया जाता है और इसकी वजह से ये जो पीरियड है, इसका कॉन्सेप्ट या फिर इसका जो कीड़ा है ना, वो हमारे दिमाग में घुस चुका है। हमारे दिमाग में, मैं हमारी बात कर रही हूँ, हमारे जैसे की बात कर रही हूँ, बट पहले ऐसा था क्या? पीरियड का जो फ्लो है वो कंट्रोलेबल नहीं है और इसीलिए इसके बहाव को रोकना भी इम्पॉसिबल है। इस फ्लो को रोकने के लिए पहले कोई ऐसे मतलब कि स्ट्रॉन्ग जो गार्ड है या फिर प्रोटेक्शन है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। नॉर्मली कुछ कॉटन्स या फिर जो पेपर या फिर कपड़े, इन चीज़ों से इसके फ्लो को रोके जाने की कोशिश की जाती थी और उसके खून से सब लथपथ ना हो, इसीलिए उस टाइम पे लड़कियों को अलग से घर में रखा जाता था ताकि वो जो ब्लड है उससे इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि पीरियड जो ब्लड है वो जब तक बॉडी के अंदर है कोई खतरा नहीं, पर जब बॉडी के बाहर आ जाता है तो नॉर्मली उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे नॉर्मल दूसरे टाइम पे अगर हमारे बॉडी से कोई ब्लड निकलता है उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है और इसीलिए पीरियड के टाइम पे सुबह सुबह उठना, उठते ही नहाना, ये सब इसीलिए फॉलो किए जाते थे ताकि वो खून से लथपथ ऐसे ही ना पड़ी रहे। इस पुरुष प्रधान समाज ने इसका उल्टा ही मतलब निकाल लिया और धन्य है हमारे महिलाएं जिसने इसको और जटिल बना दिया और कॉम्प्लेक्स बना दिया, और जो कि ये एक नेचुरल फॉर्मूला है, एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम रोक भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। इसको लेके हमेशा से ही लड़कियों को शर्मिंदा किया गया। कई दशक से इस थॉट को चेंज करने के लिए, इस प्रोसेस को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई और जो आज भी चल रही है। काफ़ी अवेयरनेस फैलाई गई, काफ़ी ऐसे इस पे बात भी की गई और बॉलीवुड में तो इस पे फिल्म्स भी बन गए एंड एट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे फोकस किया है और 2020 से सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे पॉइंट पे, वो सारी अर्जियों पे उन्होंने फोकस करना शुरू किया है जो इससे रिलेटेड है। फीमेल्स के बॉडी में ऐसा क्या शुद्ध है
जो उसे एक प्रार्थना स्थल से जाने से रोकता है, जहाँ खुद हिंदू धर्म में, मैं एक हिंदू लड़की हूँ इसलिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, दूसरे धर्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ। हिंदू धर्म में इसी पीरियड को पूजा जाता है, माँ कामाख्या देवी को पूजा जाता है इसी पीरियड के दौरान, जिस पीरियड के लिए एक लड़की को शर्मिंदा किया जाता है। समाज को बेशरम नहीं बनाना है कि पीरियड के टाइम पे लड़कियाँ खुलेआम घूमती रहे या फिर पीरियड ब्लड को नॉर्मली लोगों को दिखाती फिरे। और इससे भी ये धारणा नहीं बदल जाएगी कि पैड के ऐड में आप नीले रंग के कलर के बदले लाल रंग के कलर को यूज़ कर लोगे तो सारी धारणाएँ चेंज हो जाएगी।